देखिए आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यह रिप्रेजेंटेशन है दिए गए नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट में कैसे रखते हैं जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वह है थर्टी टू बिट आई ट्रिपल ई सेवन फाइव फोर फॉर्मेट इसको कहते हैं सिंगल प्रिसीजन इसका दूसरा है डबल प्रिसीजन जिसको बोला जाता है वो हो जाता है सिक्सटी फोर बिट आई ट्रिपली सेवन फाइव फोर तो इसमें देखिए ये आपका दिया रहेगा कोई नंबर दिया है यहाँ हमने डेसिमल में लिया है और इसको फ्लोटिंग में कन्वर्ट करना है तो कभी कभी ये डेसिमल ना दिए कभी कभी डेसिमल की जगह बाइनरी में ही दिया रहता है तो फर्स्ट स्टेप है कि दिए गए नंबर को अभी यहाँ जैसे माइनस टेन पॉइंट सेवन फाइव बेस टेन पे है तो फर्स्ट स्टेप है दिए गए नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना तो अभी माइनस को हम पॉजिटिव लेके करते हैं ओके तो ये ये नंबर जो आपका है इसका बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट तो ये बाइनरी आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं अगर कैलकुलेटर में डेसिमल के ये वाले नहीं हो पाते तो ये खुद से करना पड़ेगा तो ये आ गया आपका बाइनरी में ओके उसके बाद बाइनरी के बाद अब हमें क्या करना है सेकेंड स्टेप है इसको साइंटिफिक में रिप्रेजेंट करेंगे साइंटिफिक में करने के लिए ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको यहाँ शिफ्ट करना है मतलब ये ऐसी जगह शिफ्ट करना है इस तरह से इस तरह से जो आया है तो यहाँ क्या आ गया टू द पावर थ्री क्योंकि ये ये आपने ये सेक्शन छोटा कर दिया डेसिमल हाँ भाई डेसिमल पॉइंट इधर गया तो ये चीज़ छोटी हो गई तो इसमें पावर इंक्रीज करना पड़ेगा तो अब ये क्या हुआ इस फॉर्म में रखने का मतलब ये है कि डेसिमल के इधर जो है लेफ्ट साइड केवल एक बिट होगा और जिसकी वैल्यू वन होगी डेसिमल के लेफ्ट साइड केवल एक बिट होगा और इसकी वैल्यू वन होगी तो ये हो गया इस फॉर्म में अब आगे ये जो टू द पावर आया है थ्री थ्री हो गया ये x x इक्वल टू थ्री तो एक्सपोनेंट जब निकालोगे तो x 127 ट्वेंटी सेवन प्लस एक्स कर देंगे तो ये आ गया 130 130 जो आया इसमें हम लोग इसको बाइनरी में कर देंगे तो ये चाहे आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं बाइनरी फॉर्मेट ये आया तो अब आगे क्या है हमें चूंकि 32 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ तो पहला बिट हो गया साइन बिट चूँकि दिया गया नंबर हमारा निगेटिव था देखिए माइनस टेन पॉइंट सेवन फाइव था तो यहाँ हमने लगा दिया माइनस की वजह से यहाँ आ गया वन बाकी जो ये वाला सेक्शन है एट बिट ये आपका ये जो पूरा आया है वो एक्सपोनेंट वो तुम्हारा आपका ये हो जाएगा एक्सपोनेंट ये पूरा पूरा बाकी मेनटीसा देखिए क्या होता है इधर देखिए जो साइंटिफिक में किए थे डेसिमल के दाई तरफ इधर जो पूरा है पूरे को कॉपी यही ऐसे उतार लेना है होता क्या है जैसे मेंटिसा इसके बाद मान लीजिए हमने नहीं लिखा है जीरो 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 होगा तो बट यहाँ ट्वेंटी थ्री बिट आपको कंप्लीट करना है तो आपको जीरो ऐड करना पड़ेगा लास्ट में जीरो ऐड कर दोगे या कोई क्वेश्चन हो जिसमें चीज़ें रिपीट नहीं हो रही हैं तो इतना तक हम जाएंगे कि ट्वेंटी थ्री बिट चूँकि हमें दिखाना है तो इतने तक हमारे पास वैल्यू रहनी चाहिए कि ट्वेंटी थ्री बिट तक क्या आएगा ठीक है तो ये सिंपल सा मेथड है कि कैसे किसी नंबर को हम फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है ये दिया हुआ है मान लो ये रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और अगेन हमें रिवर्स में जाना है कि ये कि मतलब नंबर क्या होगा अगर फ्लोटिंग पॉइंट दिया हुआ है तो अगला स्टेप है कि फ्लोटिंग पॉइंट से डिसिमल नंबर या बाइनरी uh, नंबर में कन्वर्ट करना तो ये चीज़ हमने बता दी है सिंगल प्रिसीजन डबल प्रिसीजन डबल जनरली हम लोग यहाँ अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं डबल के लिए आपका सिक्सटी फोर का टोटल बन जाएगा अब हमें इसी में दूसरा न्यूमेरिकल बन जाता है फ्लोटिंग पॉइंट दिया रहता है और आपको बोला जाता है कि डेसिमल में कन्वर्ट करिए तो अभी हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वह है थर्टी टू बीट आई सेवन फाइव फोर तो आपको यह दिया रहेगा चूंकि यहाँ फ्लोटिंग में दिया हुआ है तो ये फ्लोटिंग फॉर्मेट दिया हुआ है उसी क्वेश्चन को हम रिवर्स करके देख रहे हैं तो ये दिया हुआ है और आपको किस में ले जाना है डेसिमल में ले जाना है देखिए तो हमें डेसिमल में करना है तो ये जो पहला डिजिट है फर्स्ट बिट सॉरी फर्स्ट बिट तो चूंकि वो साइन को रिप्रेजेंट करता है तो पहला हो गया वन है तो नंबर निगेटिव होगा अगर ये जीरो होता तो नंबर पॉजिटिव होता बाकी एट 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 बिट आगे के उसके बाद के इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में तो ये वन थ्री जीरो आ गया तो वन थ्री जीरो अब इसको कैसे लिखेंगे 127 ट्वेंटी सेवन प्लस एक्स इक्वल टू करेंगे वन थ्री जीरो तो यहाँ से x निकाल लेंगे x आ गया आपका थ्री x आ गया थ्री आगे देखिए बाकी पहला बिट साइन उसके बाद एट बिट हो गए आपका एक्सपोनेंट बाकी जो ये इतना इतना बिट है वो आपका मेन्टीसा होता है इतना बिट आपका मेन्टीसा होता है अब देखिए तो कैसे अब वापस रिप्रेजेंट करेंगे वन पॉइंट एक्स 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 क्रॉस क्रॉस लिख लिए अब ये जो ये क्रॉस 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 है वो सब हो, आपके तो हो गया आपके मेंटीसा तो मेंटीसा यही होगा जो क्वेश्चन का पार्ट है ये पूरा ये पूरा यहाँ से ये पूरा आपका सीधे सीधे कॉपी हो जाएगा तो ये आपने कॉपी कर लिया और एक्स क्या होगा एक्स यहाँ से जाए टू द पावर थ्री तो यहाँ से आ गया अब इसको अंदर भेज दीजिए चाहे तो, तो हो गया तो वन टू थ्री इधर शिफ्ट कर दीजिए क्योंकि तो अब ये बन गया बाइंड्री में वन जीरो वन जीरो पॉइंट वन वन तो ये लास्ट में जो है जीरो जीरो है इसमें तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये आ गया टेन पॉइंट सेवन फाइव बेस टेन तो चूँकि आपका नंबर निगेटिव है पहले डिसाइड हो चुका है तो आप आगे माइनस साइन लगा लोगे तो वही सेम नंबर मिला जो हमारा पहले था माइनस टेन पॉइंट सेवन फाइव इस तरह से हम आ, फ्लोटिंग पॉइंट से किस में गए डेसिमल नंबर में सीखे अगेन देखिए अब देखिए हम लोग सीखते हैं कि फ्लोटिंग में एडिशन कैसे होता है सब्ट्रैक्शन कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है डिवीजन कैसे होता है ये चारों चीजें हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे देखिए प्रॉब्लम क्या आती है जैसे अभी क्वेश्चन दिया है हंड्रेड और पॉइंट टू फाइव को ऐड करना है लेकिन ये जो ऐड करना है वो हमें फ्लोटिंग पॉइंट रूल से करना है मतलब थर्टी टू बीट आई ट्रिपल ई सेवन फाइव फोर फॉर्मेट से ऐड करना है तो पहले तो दोनों नंबर को इस फॉर्मेट में कर लिया जाए मतलब इसके पहले जो हमने मेथड पढ़ा था अब अभी देखिए ये हंड्रेड है इसका बाइंड्री आ गया इसका साइंटिफिक ये आ गया जीरो पॉइंट टू फाइव का साइंटिफिक ये आ गया तो जब नंबर को ऐड किया जाएगा समझ रहे हैं तो ये वाली चीज़ ये पावर सेम होना चाहिए तो हम क्या करेंगे कम वाली पावर को जैसे टू द पावर माइनस टू है यहाँ टू द पावर सिक्स है तो इसको इसके बराबर करेंगे समझ गए? माइनस टू को इंक्रीज़ करते करते सिक्स के बराबर ले जाएंगे जब देखिए जब इस पावर को इंक्रीज करोगे तो इस वाले इस वाले में क्या होगा ये पावर जब बढ़ेगा तो ये नंबर और छोटा होगा मतलब ये ये डेसिमल पॉइंट इधर भागेगा अब देखिए मतलब यहाँ कहीं आ जाएगा मतलब अगर इसको सिक्स के बराबर करोगे तो एट बिट शिफ्ट होगा तो आगे जीरो 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 लगता चला जाएगा फिर कहीं डेसिमल होगा यहाँ कहीं तो पीछे के जो एट बिट हैं वो गायब हो जाएंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा हमारी जो एल एस साइड है मतलब इधर साइड है ये डेटा उड़ेगा अगर उल्टा करोगे सिक्स को माइनस टू के बराबर लगाओगे तो आगे की साइड से डेटा उड़ेंगे तो उसमें उसमें हमारा मेन डेटा का लॉस है इसमें ये वाले मेथड से ही हम करते हैं कि माइनस टू को जो कम वाला है उसको हाई के बराबर रखते हैं अब देखिए तो अभी तो ये साइंटिफिक था उसके बाद हमने रिप्रेजेंट कर लिया आई ट्रिपल ई में तो ये दोनों को हमने रिप्रेजेंट कर लिया आई ट्रिपल ई में ये तो पहले ही बता चुके हैं ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है अब देखिए अब यही हमें काम है एक्सपोनेंट ये जो है ये जीरो पॉइंट टू फाइव का एक्सपोनेंट ये जो है इसको हमें ऊपर वाले एक्सपोनेंट के बराबर करना है कैसे बराबर होगा अब इसका मेथड देखिए क्या किया गया है जीरो पॉइंट टू फाइव की पूरी लाइनें यहाँ लिख ली गई हैं जीरो पॉइंट टू फाइव की ये हमने एक बिट यूज कर लिया इसमें हाइड बिट ठीक है अब देखिए इसको बढ़ाते चले जाइए एक एक इंक्रीज करते जाइए इधर से इधर एक एक बढ़ाते चले गए तो हाइट बिट को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए उसके बाद फिर यहाँ शिफ्ट हो गया फिर यहाँ शिफ्ट कर दीजिए फिर यहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो जैसे जैसे एक एक इंक्रीज करेंगे हाइट बिट ऐसे ऐसे शिफ्ट होता चला गया तो हाइट बिट यहाँ हो गया इससे क्या हुआ हमारा जगह तो फिक्स है ना ट्वेंटी थ्री ही ये रहेगा तो इधर वाले पीछे हटते शुरू मान लो यहाँ वन 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 है तो ये सब बाहर चले जाएंगे उसी हिसाब से तो एक स्टेज आठ आठवें नंबर पे आपका ये सेम हो जाएगा एक्सपोनेंट जितना हंड्रेड का था अगला स्टेप क्या है इसके बाद तो अब इसके बाद फिर क्या करेंगे हंड्रेड वाली हंड्रेड के लिए जो आपका आई ट्रिपल ई फॉर्मेट था उसको कॉपी यहाँ लिख लोगे और जीरो पॉइंट टू फाइव के लिए अब जो आया है ये एक्सपोनेंट सेम करने के बाद मतलब इसके पहले वाले पेज में ये जो लास्ट लाइन थी ये आ गया 0.25 के लिए कि जब हम एक्सपोनेंट सेम कर लिए तब क्या होगा अब ये आ रहा है तो ये पूरी लाइन को आपको उतार लेना है ये ये पूरी अब आइए ये ये जीरो पॉइंट ये, ये हंड्रेड का था ये जीरो पॉइंट टू फाइव का था देखिए हंड्रेड के लिए हाइट बिट वैसे रहा जीरो पॉइंट टू फाइव के लिए हाइट बिट हम जो यूज किए थे वो यहाँ पहुँच गया एट शिफ्ट हुआ ना एट बार वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आठवें नंबर पे पहुँच गया बाकी सब आगे जीरो लगते चले गए इधर जो डेटा होता वो सरकते चला जाता उसी वे में ठीक है अब क्या करोगे एड मेंटीसा अब देखिए ये ये जो है ये इधर ये डेटा और ये डेटा ये है एक्सपोनेंट तो ये ऐसे कॉपी कर लो दोनों सेम हो गए तो ये कॉपी हो गया ये ऐसे आ गया बाकी अब इनको ऐड करना है ये मेन्टीसा जीरो प्लस जीरो जीरो ये पूरा ऐड करते चले जाइए इधर तो पूरा जीरो ही है जीरो प्लस वन वन इधर बाकी जीरो हैं जीरो आ गए वन प्लस ज़ीरो वन ज़ीरो प्लस जीरो 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 प्लस जीरो जीरो वन प्लस ज़ीरो वन वन प्लस ज़ीरो वन, वन, वन तो ये आ गया अगला स्टेप क्या है मेनटीसा को सॉरी हाइट बीट को रिमूव कर दीजिए ये हाइट बीट है इसको रिमूव कर दीजिए और अगली लाइन में इसको रिमूव करने के बाद जो चीज़ आपकी आ रही है वो आपका आंसर है तो आंसर हो गया ये इसी का जो है हाइट बिट रिमूव कर देना वो आपका आंसर हो गया अब हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि आंसर हमारा सही है कि नहीं डेसिमल में जो आना चाहिए वो आ रहा है कि नहीं कैसे कन्वर्ट करेंगे हाई ट्रिपल e, ये आंसर आपका हाई ट्रिपल ही फॉर्मेट में है समझ गए कैसे कन्वर्ट करोगे ये ये जो बिट है ये एक्सपोनेंट है इसको पहले तो डेसिमल में ले आइए तो डेसिमल में आ गया वन थ्री थ्री इसको कैसे लिखते हैं वन ट्वेंटी सेवन प्लस एक्स इक्वल टू वन थ्री थ्री देयर फोर एक्स इक्वल टू सिक्स तो अब ये बाकी है जो है ये ये मेंटीसा होता है तो कैसे लिखोगे वन पॉइंट मेन्टीसा इंटू टू द पावर एक्स तो एक्स इक्वल टू आ गया सिक्स और मेंटीसा क्या हुआ ये पूरी बिट जो है आपकी मेंटीसा हो गई ये पूरी मेंटीसा हो गई यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब इस सिक्स को अंदर भेज दीजिए सिक्स को अंदर भेज दीजिए तो वन जीरो जीरो वन ज़ीरो जीरो तो ये अंदर भेजोगे तो ये सिक्स टाइम्स शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ आ गया ये तो ये अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए तो हंड्रेड पॉइंट टू फाइव ये आपका डेसिमल में आ गया तो इस तरह से हमने सीखा कि इनको जब सम करोगे तो हंड्रेड पॉइंट टू फाइव आएगा तो बट हमने देखा कि कैसे आई ट्रिपल ई फॉर्मेट में एडिशन होता है फिर उसको कन्वर्ट किया हमने नॉर्मल डेसिमल फॉर्म में देखिए अब हम सीखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट सब्ट्रैक्शन कैसे दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन तो यहाँ हम सीखेंगे थर्टी टू बीट आई ट्रीपल ई सेवन फाइव फोर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से देखिए दो नंबर दिया हुआ है हंड्रेड और जीरो पॉइंट टू फाइव ये बेस टेन पे दिया हुआ है तो सबसे पहला स्टेप है दिए गए दोनों नंबर को हम कर लेंगे इस फॉर्मेट में मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन के फॉर्मेट में कर लेंगे थर्टी टू में तो पहला नंबर हंड्रेड है जिसके सामने पॉजिटिव लगा है तो ये आपका ज़ीरो आ जाएगा दूसरा नंबर जीरो पॉइंट टू माइनस साइन से है तो यहाँ वन कर देंगे बाकी देखिए इसमें हम एक्स्ट्रा बिट यहाँ हाइड कर लिए हैं ये रिप्रेजेंटेशन करना तो पहले ही सिखाया जा, जा चुका है तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है बस बीच में हमने हाइट बीट ले आया हाइट बीट का हेल्प है एडिशन और सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करने के लिए अब देखिए तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया उसमें हमने हाइट बिट ऐड कर लिया चाहे तो अगले स्टेप में कर सकते हैं अब क्या करोगे जब नंबर एड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो पावर सेम होनी चाहिए तो यहाँ यहाँ सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे एडिशन में था तो यहाँ भी क्या करना है अब देखिए ये वाला जो नंबर है जीरो पॉइंट टू फाइव तो ये ये इलेवन की पावर एलेवन वाले के इसमें पावर ये थी इस वाले केस में मतलब एडिशन के आपको स्टेप्स देखने पड़ेंगे एडिशन वाले केस में जो चीज़ें हुई थी एडिशन वाले केस में ये पूरा चीज़ आपको समझना पड़ेगा एडिशन से और तो मैं यहाँ डेटा डायरेक्टली कॉपी कर ले रहा हूँ ठीक है तो सब्ट्रैक्शन में ये आ गया ज़ीरो पॉइंट टू फाइव के लिए आ, कैसे पावर सेम किया गया है ये एडिशन से देख लीजिएगा तो जब पावर सेम किए तो हाइट बिट जो यहाँ जीरो हो गई और ये हाइट बिट पहुँच गई यहाँ हाइट बिट यहाँ पहुँच गई अब आगे क्या करना है पावर सेम हो गई पावर उतर गया यहाँ इन दोनों को सपटेड कर लेना है इन दोनों को इन दोनों को सपटेट करिए जीरो जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो तो इधर सारे जीरो ये हो गया अब ये जीरो है नीचे वन है तो यहाँ बॉरों ले लीजिए इधर से तो ये जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा वन जीरो 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 वन 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 वन, वन. ये पूरा आ गया तो इस तरह से डिफरेंस लेना है बस और क्या और ये वन माइनस जीरो वन तो अब यही आंसर हो गया बस इस आपको खाली हाइड बिट को हाइड या हिडन बिट को रिमूव कर देना है तो आपका आंसर हो गया जीरो और ये पूरा यहाँ आ गया यहाँ आ गया और ये वाली चीज़ पूरी कॉपी हो गई यहाँ तो ये आपका आंसर हो गया ठीक है कि कैसे है ये तो ये आंसर जो है थर्टी टू बिट आई ट्रिपल ई सेवन फाइव फोर फॉर्मेट में है मतलब फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट में है तो इसको हमें कन्वर्ट करना है अब देखते हैं कि डेसिमल में क्या आएगा। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये ये आपका साइन बिट हो गया ये आपका जो एक्सपोनेंट था उसको कन्वर्ट कर लीजिए बाइनरी में वन थर्टी थ्री तो ये वन थर्टी थ्री को लिखते हैं वन ट्वेंटी सेवन प्लस एक्स यहां से एक्स निकालोगे मतलब यही इक्वेशन रहेगी थर्टी टू बिट के लिए वन ट्वेंटी सेवन प्लस एक्स इक्वल होगा ये जो आया है वन थर्टी थ्री तो आ गया एक्स इक्वल टू सिक्स अब इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए साइंटिफिक में वन डॉट मैंटिसा इंटू टू द पावर एक्स एक्स हो गया सिक्स एक्स हो गया सिक्स मेंटिसा क्या हुआ मेंटिसा कैसे निकालोगे ये पूरी चीज़ मेंटिसा हो गई उसको निकालना क्या है यही पार्ट पूरा मेंटिसा होता है तो ये यहाँ ला के रख दीजिए जिटो कॉपी कर देना है इंटू टू द पावर सिक्स तो ये आ गया अब अंदर इसको बीज दीजिए अंदर भेजने के बाद डी में कर लीजिए ये अंदर भेजे तो ये आ गया और उसके बाद डी में कर लीजिए तो ये आ गया नाइन्टी नाइन पॉइंट सेवन फाइव देख लीजिए हंड्रेड माइनस ज़ीरो पॉइंट टू फाइव करोगे तो नाइन्टी नाइन पॉइंट सेवन फाइव आया जो यही आ रहा है तो इस हिसाब से हम लोग इस मेथड से हम दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं ओके तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन। इसके बाद आता है फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लीकेशन यहां हम सीखेंगे कैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 32 टू बीट आई ट्रिपल ई सेवन फाइव फोर फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट में तो फर्स्ट स्टेप ये है कि दोनों यहाँ तो हमने क्या किया है यहाँ हंड्रेड का बाइंड्री कर लिया और ये जीरो पॉइंट टू फाइव का बाइंड्री कर लिया मल्टीप्लाई किया ये आया तो मतलब ये इस तरह से आना चाहिए अगर डेसिमल में कर लोगे तो वो वैल्यू आनी चाहिए तो अभी अब हंड्रेड को हमने क्या किया यहाँ हंड्रेड को आप साइंटिफिक फॉर्म में कर लो फिर जीरो पॉइंट टू फाइव है इसको साइंटिफिक फॉर्म में कर लो समझ गए साइंटिफिक फाइव साइंटिफिक फॉर्म में करने का मेथड बताया जा चुका है इसके बाद अब देखिए जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम पावर सेम कर रहे थे मतलब एक्सपोनेंट सेम कर रहे थे यहाँ ये चीज़ नहीं है यहाँ देखिए जब मल्टीप्लाई करोगे दो नंबर का तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे एक्सपोनेंट तो यहाँ भी यही है यहाँ एक्सपोनेंट को ऐड कर देना है ठीक है ऐड द एक्सपोनेंट यहाँ ये लिखा हुआ है तो ऐड कर दो और बाकी तो एक्सपोनेंट ऐड हुए ऐड करो वन प्लस वन जीरो तो ये इन दोनों बिट को ऐड करोगे तो ये आएगा ठीक है अब देखिए चूंकि ये जो एक्सपोनेंट लिखे हैं दोनों में वन ट्वेंटी सेवन एडेड है वन ट्वेंटी सेवन प्लस सिक्स और सेकेंड uh, वाले में है वन ट्वेंटी सेवन प्लस माइनस टू चूँकि माइनस था तो जब इसको ऐड करोगे तो वन ट्वेंटी सेवन प्लस वन ट्वेंटी सेवन प्लस सिक्स माइनस टू तो इस तरह से दो बार वन ट्वेंटी सेवन आ गया इसलिए बाद में हम एक वन ट्वेंटी सेवन माइनस कर देते हैं तो ये आ गया आपका मतलब दोनों को ऐड करोगे फिर वन ट्वेंटी सेवन का डिफरेंस कर लोगे सब बाइंड्री में ही चलेगा वन ट्वेंटी सेवन की बाइंड्री ये है तो ये आ गया बाकी अब ये चूंकि मल्टीप्लीकेशन है पावर तो हमने पावर के पावर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में रख के ऐड कर लिया अब बाकी मल्टीप्लीकेशन में क्या है ये जो मेटीसा है उनको मल्टीप्लाई करना है ये दोनों मेन्टीसा हैं इनको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के, के लिए हमने जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हाइड बिट यूज किया था तो यहाँ भी हम लोग हिडन बिट लेंगे इंक्लूड हिडन बिट फॉर बोध दोनों मेन्टीसा के लिए हिडन बिट ले लोगे तो आगे हम हिडन बिट लगा लेंगे वन पॉइंट बाकी मेटीसा है दूसरे के लिए वन पॉइंट यहाँ इसमें क्या है जीरो 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 सारे जीरो थे तो पूरा मैंने लिखा नहीं है तो लिखना पड़ेगा उसको अब इनको मल्टीप्लाई करना है दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आई जैसे डेसिमल लगना चाहिए उस तरह से आपको लगा लेना है तो ये हो गया अब जो भी रिजल्ट आया है उसको हम साइंटिफिक फॉर्म में करेंगे जो भी रिजल्ट आया है उसको साइंटिफिक फॉर्म में यहां तो देखिए साइंटिफिक फॉर्म में आ गया अगर ऐसा नहीं आता है तो इस फॉर्म में ही बनाओगे मतलब डेसिमल के लेफ्ट साइड में केवल एक बिट होगा और उसकी वैल्यू वन होगी इस तरह से बनाना पड़ेगा नहीं आ रहा है तो आपको बनाना पड़ेगा यहाँ तो बन गया बाय द चांस अब ये बना हुआ है तो ये क्या करोगे डेसिमल के इधर लेफ्ट साइड वाला इसको हटा दोगे ये आपको हटाना पड़ेगा और बाकी ये जो है वो आपका मैंटिसा हो जाएगा सॉल्यूशन का ठीक है मान लो मान लो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ कहीं ही होता तो मतलब डेसिमल के पहले दो बीट होती है तो जब आप साइंटिफिक फॉर्म में बनाते तो उसी के अकॉर्डिंग टू द पावर इंक्रीज या डिक्रीज होता तो वो इंक्रीज डिक्रीज किस में चला जाता है इस वाले वैल्यू में ऐड हो जाता है समझ गए मतलब जो सोल्यूशन आया आपका अभी मेंटीसा मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो साइंटिफिक में नहीं है तो साइंटफिक में बनाओगे उसके अकॉर्डिंग टू द पावर कुछ आएगा तो वो उसमें चला जाएगा ये एक्सपोनेंट में उसी के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा दोगे मतलब वो पावर एक्सपोनेंट में ऐड हो जाएगी अब ये हो गया जीरो ये एक्सपोनेंट हो गया ये ये सोल्यूशन का मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट आ गया ये तो मतलब डेसिमल के पहले जो फर्स्ट बिट है उसको हटाना है तो ये आ गया अब देखते हैं आंसर सही है कि नहीं इसको कन्वर्ट कर लो किसमें करोगे ये ये आपका एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंट तो, तो वैसे रहा वन डबल जीरो वन ट्रिपल जीरो फिर जीरो 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 वन तो वैसे रिपीट हो गया ये अब इसको देखते हैं आंसर सही है कि नहीं इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो ये जो एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंट को कर लो बाइनरी सॉरी एक्सपोनेंट बाइनरी में, उसको में है उसको डेसिमल में किए तो ये आ गया ये ये आपका डेसिमल में है डेसिमल में ये वैल्यू आपकी डेसिमल में हो गई अब देखो डेसिमल इसको कैसे लिखते हैं वन ट्वेंटी सेवन प्लस एक्स ठीक है 127 ट्वेंटी सेवन प्लस एक्स इक्वल टू होता है 131 तो इक्वल टू मतलब ये इक्वल होगा जो एक्सपोनेंट का डिसिमल आया है तो यहाँ से x निकाल लोगे x इक्वल टू हो गया 4 अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वन पॉइंट मेन्टीसा इंटू टू पावर एक्स तो x आ गया ये जो x यहाँ से निकला वो x पुट कर दोगे मेनटीसा जो मल्टीप्लाई होने के बाद आया रिजल्ट साइंटिफिक फॉर्म में वन हार्ट आने के बाद ये पूरा मेन्टीसा हो गया उसको सीधे सीधे यहाँ से कॉपी करके रख दो ये हो गया अंदर टू फोर पावर टू द पावर फोर है अंदर भेज दो तो अंदर भेजोगे तो ये ये इधर से रखना शुरू हो जाएगा वन टू थ्री फोर यहाँ आ जाएगा तो ये आ गया ये ये बाइंड्री में आ गया इसको कन्वर्ट कर लो डेसिमल में तो आ गया ट्वेंटी फाइव तो इस तरह से हंड्रेड और किसका किसका मल्टीप्लाई था हंड्रेड और जीरो पॉइंट टू फाइव का मल्टीप्लाई था तो इसका आंसर आ गया ट्वेंटी फाइव देखिए इसमें एक चीज़ समझने वाली है यहाँ यहाँ कन्फ्यूजन ये है कि अगर साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है तो इसको आपको साइंटिफिक फॉर्म में बनाना पड़ेगा और जो पावर इधर आएगा इंटू टू द पावर वो इसमें ऐड कर देंगे तो यही चीज़ यहाँ लास्ट में लिखी हुई है इफ़ मल्टीप्लीकेशन आउटपुट मतलब मेंटिसा का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर इसका आउटपुट इज़ नॉट इन साइंटिफिक फॉर्म साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है देन वी हैव टू मेक मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट इन साइंटिफिक फॉर्म अकॉर्डिंगली वी हैव टू एडजस्ट द एक्सपोनेंट. तो ये हो गया इस तरह से हमने मल्टीप्लीकेशन सीखा इसके बाद हम लोग सीखेंगे डिवीजन, फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन दो नंबर दिया हुआ है डेसिमल में उसको डिवाइड करना है लेकिन यहां जो हम लोग सीखेंगे थर्टी टू बिट आई ट्रिपली सेवन फाइव फोर फॉर्मेट में कैसे डिवाइड करते हैं आई ट्रिपल थर्टी टू बिट आई ट्रिपली सेवन फाइव फोर फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट में कैसे डिवाइड करते हैं तो देखिए इसको इस नीचे जो यहाँ क्या है टेन पॉइंट थ्री फाइव को डिवाइड करना है टू पॉइंट टू फाइव से टू पॉइंट टू फाइव बेस्ट टेन तो टू पॉइंट टू फाइव को बोलते हैं डिवाइजर टेन पॉइंट थ्री फाइव यहाँ ऊपर है तो ये हो जाएगा डिविडेंड जो भागफल आएगा वो कोशेंट कहा जाता है और जो शेषफल आएगा वो रिमाइंडर तो देखिए पहले नंबर को यहाँ हमने साइंटिफिक फॉर्म में कर लिया यहाँ इनको साइंटिफिक फॉर्म में कर लिया मतलब बाइंड्री उसके बाद साइंटिफिक यहाँ देखिए यहाँ बाइंड्री है ये भी बाइंडरी है उसके बाद कभी कभी बाइनरी फॉर्म में ही दिया रहता है दिया है तो अच्छा है अदरवाइज आपको बाइंड्री करना है अब उसके बाद आई ट्रिपल ई फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है 10.35 है देखिए इन इनमें हम इस तरह का केस लेके नहीं चल रहे हैं कि आगे प्लस है या माइनस है डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में उसको आ, अपने अलग अलग एक्जॉरगेट से समझना है कि रिजल्ट क्या आएगा तो यहाँ हमने दोनों पॉजिटिव लेके किए हैं तो पॉजिटिव के लिए जीरो अब ये टेन पॉइंट थ्री फाइव ये इसका हमने आ, इसका रिप्रेजेंटेशन ये आ गया ठीक है इसमें देखिए एक्सपोनेंट ये ये पूरा क्या होगा यही तो मेंटीसा होता है वन ट्वेंटी सेवन में थ्री ऐड किए इसका बाइनरी वन ट्वेंटी सेवन में वन ऐड किए इसका बाइनरी और ये बचा ये अब इसमें देखिए पीछे वाली डिजिट हट जाएंगी क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डिजिट लिख लिया है तो ये इधर यही इसका फ़ायदा है कि पीछे की चीज़ें हटती हैं ठीक है मतलब एल एस बी समझिए एल एस बी साइड हटती हैं तो ये हो गया तो इसमें हमने एक सौ तेईसवा बीट यही है तो इसके इसको यहाँ रख लिया क्योंकि इसके बाद हमारे पास जगह नहीं है एक सौ तेईसवा बीट ये है उसके बाद हमारे पास इसमें तो ट्वेंटी थ्री ही रखना है ना मिनटिसा में आई ट्रिपल ई फॉर्मेट में ऐसे तो नॉर्मल साइंट फिट में चाहे जितना रख लीजिए तो यहाँ ट्वेंटी थ्री बीट ही रखना है तो उसके बाद वाले को हमने निगलेक्ट कर दिया अब देखिए ये रिप्रेजेंटेशन हो गया अब क्या है जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर क्या होती पावर घट जाएगी तो ऊपर ऊपर यहाँ जो एक्सपोनेंट है ये और ये इनका डिफरेंस ले लेना है तो कैसे डिफरेंस लिया गया इनका और इनका डिफरेंस ले लीजिए डिफरेंस लेने के बाद ये आ गया बाकी ये वाली चीज़ आपका मेंटिसा है दोनों का अब डिफरेंस ले लिए तो ये आ गया उसके बाद अब ये क्या करना है ये जो मिनटीसा है उसमें हाइट बिट आगे ऐड कर लीजिए वन लगा लिए दोनों में मतलब ये ये टेन पॉइंट थ्री फाइव की मंटीसा है ये टू पॉइंट टू फाइव का है तो दोनों को रिपीट कर लीजिए ऐसे और यहाँ वन पॉइंट लगा लीजिए ये इस तरह से हम रख देंगे अब दोनों को भाग करना है भाग करना आपको आना चाहिए कैसे दो बाइंडी नंबर को डिवाइड करते हैं ठीक है यहाँ हमने किया है देखते हैं कैसे हो रहा है देखिए इसके बाद यहाँ के बाद यहाँ सारे जीरो ज़ीरो जीरो हैं तो इसका कोई मतलब है नहीं तो हमने इसको अगर यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए तीन डिजिट तो इसका डेसिमल भी तीन डिजिट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ तो इस तरह इस वाले मेथड से थोड़ा जल्दी हो जाता है तो हमने क्या किया वन ज़ीरो ज़ीरो वन तो यहाँ जो डेसिमल था अच्छा यहाँ लिखे नहीं यहाँ होगा तो ये ऊपर चला गया अब देखिए जब भाग देते हैं मान लीजिए थ्री डिवाइडेड बाई फाइव तो थ्री वन ज थ्री तो मतलब फर्स्ट टाइम क्या है अगर ये छोटा होता तो पॉइंट लगाते तो इस तरह से डिवाइड करते हैं ना रिमेनिंग आ गया टू ऐसे ही तो डिवाइड करते हैं ऐसे उसमें भी यही यही मेथड चलेगा बाइनरी में बस बाइनरी में ये होता है कि या तो जीरो टाइम्स जाएगा या वन टाइम्स तो ये पूरा डिवीज़न हमने अलग पेज पे किया है क्योंकि इसमें बहुत छोटा है कहाँ गया हाँ डिवीज़न देख लेते हैं देखिए ये ये हमने वन डबल जीरो वन कर लिया तो डिसिमल यहाँ आ गया तीन डिजिट हराए इसके बाद तो सारे जीरो थे इसमें तो ये ये आ गया तो ये अब ये बचा अब ये देखो हम पहली बार जब डिवाइड करेंगे तो नंबर बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए तो वन डबल जीरो वन से ये बड़ा है वन ज़ीरो वन ज़ीरो ठीक है तो वन टाइम्स जाएगा तो ये आ गया दशमलव यहाँ है तो दशमलव यहाँ उतार लिए उसके बाद पहली डिजिट उतारे जीरो उसके बाद कौन सी उतारोगे वन उतार लोगे उसके बाद जीरो उतार लोगे तो तीन बिट उतारे तो यहाँ दो बार जीरो लग जाएगा उसके बाद फिर वन टाइम्स जाएगा वन टाइम्स गया वन जीरो वन जीरो है यहाँ वन डबल जीरो वन है तो इस तरह से एक बार गया ये सब करते रहिए तो ये आ जाएगा आपका लास्ट में कट नहीं हो रहा है तो मतलब इतने बिट तक हम लेके चले जाएं कि हमने देखी कितने बिट तक ले गए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन तक गए हैं इसके आगे भी यही सारा पूरा रिपीट होगा जीरो जीरो वन वन नहीं रिपीट हो रहा तो जो आ रहा है वो आपको लिखना है ट्वेंटी थ्री बीट तो हो ही अब आ जाइए यहां। तो डिवीजन का रिजल्ट हमें ये यह यहां मैंने लिख लिया डिवीजन कैसे हुआ ये बता दिए हैं तो उसके बाद अब क्या है डिवीजन हो गया अब देखिए डिवीजन साइंटिफिक फॉर्म में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ये जो भागफल आपका आया है ये यह यहाँ क्या है साइंटिफिक फॉर्म मतलब डेसिमल के पहले वाली बिट जो है ये ये जो बिट है ये वाली जो बिट है ये ये वन होनी चाहिए ये वन होनी चाहिए तो ये ऑलरेडी आपका है अगर ऐसा नहीं होता तो आप साइंटिफिक में करोगे और जो पावर रेज होगी उसको फिर यहां एडजस्ट करोगे यहां ले आओगे ठीक है तो अब क्या है आंसर कैसे लिखोगे ये आपका आंसर अगले अगले स्टेप में देखिए कैसे आंसर लिखा गया है आई ट्रिपल ई फॉर्मेट में आंसर क्या है दोनों नंबर डिवाइड किए यहाँ जीरो आ गया ये ये दो जो, जो दोनों एक्सपोनेंट को जब डिफरेंस किए थे तो ये जो आया है वो ये यहाँ आ गया ये और बाकी मेंटीसा कहाँ से आया जो भागफल आया तो उसमें ये वाली चीज़ हम हटा देंगे फर्स्ट बिट हम हाइड लेते हैं हाइड बिट कितने होता है तो उसको हटा देंगे बाकी जो डेसिमल के बाद जो है वो सारा आपका मेन्टीसा हो गया तो ये आपका मेंटिसा हो गया आगे जितना भी है आपको सब लिखना है हमने हमने तीन ही बिट लिखा है देखो तो यहाँ मैंने लिख दिया है जीरो जीरो वन वन आएगा फिर उसके बाद फिर यहाँ चलेगा जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन इस तरह से पूरा चलता रहेगा मेंटिसा तो तेईस बिट का होगा ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन इस तरह से ट्वेंटी थ्री होना चाहिए ये पूरा ट्वेंटी थ्री होना चाहिए ट्वेंटी थ्री कर लीजिए तो ये आपका आंसर हो गया अब हम ये देखना है कि क्या हमारे आंसर जो दोनों नंबर को डिवाइड करें सही है कि नहीं सही है मतलब साइंटिफिक फॉर्म से हम नॉर्मल अपने डेसिमल फॉर्म में लाना चाह रहे हैं आई ट्रबली फॉर्मेट से तो कैसे लाएंगे ऐसे लिखा जाता है वन पॉइंट वन इंटू वन पॉइंट सॉरी वन पॉइंट मेटिससा इंटू टू पावर एक्स तो एक्स क्या होगा ये जो आया है इसको तो पहले डेसिमल में कर लीजिए तो इस वाले केस में यही एक्स हो जाएगा डेसिमल में भी एक वैल्यू दो है तो एक्स इक्वल टू टू देखिए हो क्या रहा है वन ट्वेंटी सेवन दोनों में ऐड है इसमें भी ऐड है इसमें भी ऐड है जब डिवाइड करोगे तो चूंकि पावर माइनस हो रहा है तो दोनों के लिए कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों के लिए कैंसिल आउट हो जाएगा तो सीधे सीधे एक्स यहाँ टू आ गया और ये वाली भी पूरी वैल्यू ये मिनटीसा हो गई अब इसको अंदर भेज दीजिए तो अंदर भेजोगे तो डेसिमल इधर साइड शिफ्ट हो जाएगा दाहिने तरफ अब यह हो गया हंड्रेड पॉइंट वन जीरो जीरो वन वन इस तरह से पूरा आगे चला जाएगा इसको कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में तो कैलकुलेटर से इसको हंड्रेड को कर सकते हो हंड्रेड का आ जाएगा फोर ये पॉइंट के बाद वन पे आ जाएगा टू द पावर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव तो जिन पे जीरो है वो तो खत्म हो जाएंगे तो ये वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट फोर तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से आ गया तो ये हमारा ये आ गया डेसिमल वैल्यू अब हमने ये देखा जब इनको डिवाइड करोगे कैलकुलेटर से टू पॉइंट टू फाइव से डिवाइड करो टेन पॉइंट थ्री फाइव में फोर पॉइंट सिक्स आ रहा है हमारा आंसर क्या आ रहा है फोर पॉइंट फाइव नाइन थ्री सेवन फाइव तो ये ऑलमोस्ट सेम है तो इस तरह से हम लोग डिवीजन करते हैं तो यहाँ देखिए थोड़ा सा नोट करके लिखा हुआ है कि अगर भागफल जो मेंटिसा को हमने डिवाइड किया है वो चीज़ मैं बस समझा दे रहा हूँ अगर ये साइंटिफिक में नहीं है तो आपको ये तो डायरेक्ट आपका आ गया वन पॉइंट जीरो जीरो इस तरह से मतलब साइंटिफिक फॉर्मेट में आ गया अगर ये ऐसा नहीं है तो साइंटिफिक में बनाओगे और जो पावर इंटू टू द टू द पावर समथिंग कुछ आएगा तो वो इसमें ऐड होगा ठीक है उसी के अनुसार ये एक्सपोनेंट एडजस्ट होगा तो यहाँ यही चीज़ लिखा हुआ है अगर नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा अदरवाइज सेट नहीं बैठेगा वो तो यहाँ आपका ये ओवर होता है लास्ट पेज तो ये आपका जो डिवीजन था ये तो आपने देख ही लिया है देखिए जनरली क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है बट इस वाले में तो नहीं हो रहा है देखिए कितनी बिट जा रही है अगर इसको गिनी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवन नाइनटीन तक की है उसके बाद ये देखिए ये पूरा पूरा रिपीट हो रहा है तो इस तरह से ये कैंसिल आउट हो जा रहा है तो तो जीरो जीरो, जीरो जितना बचा जीरो ही लिखना है नहीं हो रहा है तो जितना रिपीट हो रहा है तो वो रिपीटिसन वाली चीज़ हो जाएगी अगर पता चल गया रिपीट हो रहा है अगर नहीं रिपीट हो रहा है तो हमें एटलीस्ट ट्वेंटी थ्री तक तो करना ही पड़ेगा इतना करना पड़ेगा कि हमें मेंटिसा में ट्वेंटी थ्री बिट की वैल्यू चाहिए तो उस वे में हमें अच्छा खासा करना पड़ेगा ठीक है थैंक यू तो यहाँ हमारा ख़त्म हुआ थैंक यू